बीते शुक्रवार 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा, जिसका वीकेंड पर कलेक्शन ठीक ठाक ही रहा। लेकिन अब आज अपने चौथे दिन फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हो चुका है अपने पहले चार दिनों में, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था, और साथ ही साथ बात करेंगे पठान फिल्म के पूरे 27 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फिल्म शहजादा की। तो रोहित धवन के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसमें हमें कार्तिक आर्यन के साथ कृति सेनन भी अहम किरदार में नजर आई थी। फिल्म का बजट लगभग 65 करोड़ रुपए का था। लेकिन अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि शहजादा फिल्म ने अपने पहले दिन जहां पूरे इंडिया से 6 करोड़ रुपए की नेट कमाई की थी, तो वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्शन रहा था 8 करोड़ रुपए का। उसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने इंडिया से कमाए 6 करोड़ 65 लाख रुपए और तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 7 करोड़ 55 लाख रुपए पूरे इंडिया से। यानी कि अपने पहले संडे को फिल्म ने अच्छा कलेक्शन में उछाल मारा है और फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पहले तीन दिनों का, वो हो चुका है 20 करोड़ 20 लाख रुपए इंडिया से नेट, और वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 24 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं ओवरसीज से फिल्म ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई कर ली है और फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 27 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है अपने पहले तीन दिनों में, जो कि काबिले तारीफ वीकेंड आप कह सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों अगर बात करें चौथे दिन यानी कि आज के, तो दोस्तों आज के कलेक्शन में हमें बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है और फिल्म आज अपने चौथे दिन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए कर रही है पूरे इंडिया से, और फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इंडिया में 22 करोड़ 70 लाख रुपए हो रहा है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 31 करोड़ रुपए कर रही है अपने पहले चार दिनों में। लेकिन दोस्तों यहां पे बात करेंगे फिल्म पठान की। तो पठान फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, साउथ की कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पठान फिल्म को 27वां दिन चल रहा है, लेकिन जिस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है अपने 27वें दिन भी, वो बाकी काबिले तारीफ है। आपको बताता चलू मैं कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसका बजट लगभग 250 करोड़ रुपए का था, लेकिन फिल्म ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। भाई अपने इतने बड़े रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो आज जो है 27वें दिन बना रही है फिल्म 1000 करोड़ का, वो वाकई काबिले तारीफ है। अपनी राय इस पर कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन अगर बात करें फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन जहां पठान फिल्म ने 57 करोड़ रुपए की नेट कमाई की थी और फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था अपने पहले दिन का 107 करोड़ रुपए। लेकिन अगर बात करें हम फिल्म के 26वें दिन के कलेक्शन की, तो 26वें दिन संडे को फिल्म का कलेक्शन रहा 4 करोड़ 25 लाख रुपए और अपने पहले 26 दिनों में पठान फिल्म 515 करोड़ 65 लाख रुपए इंडिया से कर चुकी है। वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 619 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से भी फिल्म ने 379 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 998 करोड़ रुपए हो रहा है। अगर बात करूं मैं 27वें दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज ये फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए कर रही है और फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 517 करोड़ 25 लाख रुपए इंडिया से हो रहा है, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कलेक्शन 1003 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।